हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे आज इस नई वीडियो में। तो मैं आज खेलने जा रहा हूँ हिमलैंड्स का सीजन 6 एपिसोड 15। तो आपने स्मार्ट पैकेज वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे जाना कहाँ पर? वेट, मेरी स्क्रीन शेक हो रही है। ओ मेरा कैसा आंख खुली मुंह, माय गॉड, ये क्या मजाक है? रात का वेट करो। तो इसका आएगा सब कुछ इस वाली वीडियो में, तो कोई बिल्कुल स्किप नहीं करने वाला। तो चलो स्टार्ट करते इस वाली वीडियो को। ओके भाई लोग, अभी मैं किल्विस के पास आ ही रहा था। भाई किल्विस बोल रहा था कि अभी वॉल के आसपास ही रही हो। तो ओ एक मिनट, अबे ये स्मार्टीफाई क्या कर रहा है भाई इस वॉल के आसपास में? ओ भाई एक मिनट, ये बंदा इधर क्या कर रहा है? अबे ये इधर क्या कर रहा है बेटे? एक मिनट इसको फ्रीज करता हूँ पहले तो मैं। रुको, ये बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है। ओके ये फ्रीज हो चुका है मेरी शक्तियों से। लेकिन भाई ये बंदा इधर क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है ये पक्का कुछ ना कुछ, तो शायद ये आया होगा शायद किल्विस को लेने के लिए। उसको लग रहा होगा कि अभी किल्विस ठीक नहीं हुआ है, उसी लैब के अंदर है, क्योंकि ये पिछली बार भी आया था। लेकिन पिछली बार ये भाग चुका था, लेकिन इस बार मैं इसको भागने नहीं दूंगा गलती से भी। ये वैसे अपने पैरों से भागा था ना, मैं इसके पैर ही अलग कर दूंगा भाई इस बंदे से। देखो अभी मैं क्या कमाल करता हूँ इसके साथ। एक मिनट भाई, इसके ऊपर मैं अपना, एक मिनट, मैं इसके पैर और हाथ सब कुछ अलग कर दूंगा। देखना तुम लोग मैं क्या कमाल करता हूँ उसके साथ। एक मिनट बस होने वाला है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तुम लोग देख के एकदम हैरान होने वाले हो मैं बता। ओके गाइस ये देखो हो चुका है, इसके मैंने हाथ पैर एकदम अलग कर दिए। ये अकेला बंदा एकदम अलग बचा है, एकदम इसका हेड है, लेकिन ये अभी जिंदा है। कमाल की बात ये है, इस वॉल के आसपास में जो भी आएगा ना उसका यही हाल होने वाला है। देख लो भाई साहब, इस वॉल के आसपास अब कोई भी आने की कोशिश भी नहीं करेगा अगर किसी ने देख लिया तो। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि इसके और भी जो दो दोस्त हैं वो भी इधर आए होते हैं तो उनका भी ये हाल करता, तो और ज़्यादा मज़ा आता ये चीज़ देखने में। अभी तो बस मेरे पास एक हेड है, मेरे पास एक और हेड है। कोई एक बंदा आया था, उसके स्किन के ऊपर बी या फिर आर कुछ बना हुआ था, उसका भी मैंने हेड एकदम निकाल के रखा हुआ है अलग से, वो भी मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। ये देखो भाई, इसका मतलब फुटबॉल बना के खेलूंगा भाई इसके साथ तो मैं। ऐसे मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे हेड यहाँ पर जमा करता हूँ और भाई साहब तभी मज़ा आएगा। लेकिन ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने काफ़ी बार मेरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पिल्ट अपनी टांग अड़ाई है। देखो भाई अभी इसका क्या हाल हो रखा है, अभी ये जिंदा है, अभी ये मरा नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। इसके अंदर अभी दिमाग है, लेकिन अभी ये बेहोश हो रखा है, क्योंकि भाई अभी मेरे को लग रहा है 2-3 घंटे तक शायद ये बेहोश रहने वाला है। क्योंकि जब इसका शरीर अलग हुआ है इसके दिमाग से, मतलब इसके सर से इसका पूरा शरीर अलग हो चुका है, इसका शरीर अलग जगह पर है, मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में। लेकिन अभी ये बंदा अभी बेहोश है एक तरीके से, इसकी आँख खुली हुई है लेकिन अभी ये बेहोश है पूरा। देखो भाई अभी ये बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसका हेड मूव करेगा बस अगर ये मूव करेगा तो। अभी तो बस मैं इसको मार रहा हूँ इसलिए मूव कर रही है। देखो पहले मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको ना टेलीपोर्ट करता हूँ अपने लैब के अंदर, क्योंकि भाई इसको यहाँ पर रखना बेकार है, वरना कोई ना कोई इसको उठा के लेके जाएगा। अगर इसको कोई लेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ना अपने लैब के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता हूँ नॉर्मल से। ओके रुको, थोड़ा टाइम लगेगा इधर से टेलीपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई इस वॉल के अंदर टेलीपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। रुको एक मिनट, ओके होने वाला हूँ इसमें, लेट्स गो। ओके मैं इधर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, उसका हेड देखो अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है अपने आप, क्योंकि मेरे पीछे था ये, तो मेरे पीछे ही टेलीपोर्ट हुआ और अंदर ही हो गया नॉर्मल। ओके अभी ये जिंदा नहीं हुआ है मुझे लग रहा है, मतलब अभी जिंदा है लेकिन ये अभी होश में नहीं आया है, क्योंकि अभी होश में आ गया होता तो इसका अभी सारा हिल रहा होता है इधर उधर। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा चालाक है तो मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ से वैसे नहीं निकल सकता है ये तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं निकल सकता यहाँ से, क्योंकि भाई ऊपर चढ़ने की वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई और यहाँ उसका जो मैं तुम्हें बता रहा था दूसरा हेड, वो दूसरा हेड इसी की तरह कोई वॉरियर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो बंदा भी। उसको मतलब उसका हेड निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था, लेकिन मैं निकाल के रख दिया था एक जगह पर हेड। अभी पता नहीं भाई किधर अभी उसका हेड है, मतलब इस वॉल के अंदर ही है उसका हेड, मतलब वो अभी शायद जिंदा हो चुका होगा अभी, और इधर उधर उसका वो बंदा भी घूम रहा होगा एक हेड। तो अभी इस बंदे को मैंने इसके अंदर इसलिए रखा है ताकि ये बंदा कहीं भाग ना सके, लेकिन वो जो दूसरा बंदा उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता वो बंदा है कौन, लेकिन भाई वो नॉर्मली ऐसे घूम रहा है इधर उससे उधर। तो अभी मैं पहले तो बाहर जाता हूँ, मैं ना किल्विस को बता देता हूँ भाई अभी क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई उस बंदे ने बोला था कि इसका हेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्टीफाई, और इसका किल्विस का पता नहीं क्या चक्कर है दुश्मनी, क्योंकि वो खुद ही ढूंढ रहा था इस बंदे को। मैंने जैसे वो जिंदा हुआ था ना किल्विस, तो इस बंदे को ही ढूंढ रहा था वो। भाई साहब तुम लोगों को क्या बताऊँ मैं, किल्विस जिंदा होते ही बोल रहा था स्मार्टी किधर है, उसको शायद कोई ना कोई दुश्मनी होगी इससे, पता नहीं, देखते हैं भाई। इसको पहले मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ पे रात हो रही है इसलिए भाई साहब अभी ऐसा मौसम हो रखा है एकदम, भाई बादल बादल सारे जा रखे हैं यहाँ पर,
अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, अभी किंग गॉर्डन पता नहीं कहाँ पर गया भाई, दूसरे वर्ल्ड के अंदर गया वो अभी कुछ एंटिटीज़ को लाने के लिए। भाई साहब अभी हमारा प्लान यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा है, यहाँ पर अभी हमें काफ़ी सारे बिल्ड्स बनाने हैं, जैसे कि हम एंटिटीज़ के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी हम लोग चीज़ें बनाने वाले हैं, ताकि इधर एंटिटीज़ की लड़ाई हो सके, एंटिटीज़ मतलब बहुत तगड़ा बैटल हो सके एंटिटीज़ का, मतलब हम लोग ऐसा कुछ तक मतलब करने वाले हैं, जैसे मतलब यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ को हम बुलाएंगे और यहाँ पर हम लोग तबाहियाँ मचवाएंगे समझ लो। और भाई नेपाली आर्मी, अबे ये मेरे से मजे ले रहा है क्या ये तीर मार के? अबे भाई साहब ये नेपाली आर्मी को पता ही नहीं क्या मैं कौन हूँ भाई। अबे सही में भाई ये मजे ले रहा है, मुझे लग रहा है बेटे तू हरकतें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये कोई काम है तेरे को नेपाली आर्मी, तेरे को मैंने जो काम दिया था वो तूने कर दिया क्या बता मेरे को? भाई साहब ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा आज के दिन। चैट कर भाई चैट कर, हेलो कुछ मैसेज नहीं कर रहा भाई ये बंदा, क्या सीन हो गया भाई बता दो मेरे को, ये बंदा चैट क्यों नहीं कर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। बोल भाई बोल, मैंने किसी को देखा माइनिंग एरिया की तरफ, पहले क्यों नहीं बताया तूने मेरे को ये चीज़? अबे ये बंदा मेरे को अब बता रहे थे देर से, मैं वो बो मारे जा रहा था तब से नहीं बताया इस बंदे ने, चल जल्दी माइनिंग एरिया की तरफ। भाई साहब देखते भाई माइनिंग एरिया की तरफ, इसने किसी को तो देखा, मुझे लग रहा है शायद वो इसी बंदे को देखा होगा जो जिसका हेड मैंने काट दिया था पहली बार, मतलब स्मार्टी से पहले जिसका मैंने हेड काटा था शायद वो हो सकता है, क्योंकि उसको मैंने कहीं ट्रैप नहीं करा था, वो इधर ही कहीं घूम रहा होगा शायद मुझे लग रहा है। देखते हैं इधर ही आगे कहीं है माइनिंग एरिया तो ये रही। ओके ये एक मिनट लग तो हो ही रहा है मेरे को, अबे इसका पूरी बॉडी कैसे आ गई, मैंने तो इसका हेड अलग कर दिया था। ओ भाई साहब ये कैसे हो सकता है, और ये उल्टा चलता है। हाँ मैं तुम्हें पहले बता दूँ ये उल्टा है बंदा, अजीब सा एकदम, इसका सर पीछे की तरफ है यार ये बंदा, इसने अपना शरीर पूरा नीचे से ऊपर कैसे लाया ये पूरा, और ये माइनिंग एरिया की तरफ क्या कर रखा है? शायद इस मार्टी को तो नहीं वापस करने आया था, यहाँ से लेने आया होगा, यही लग रहा है मेरे को। बेटे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे लग रहा है इस मार्टी को ही यहाँ से छुड़ाने आया होगा, लेकिन इसको क्या पता है मैं पहले ही इसको देख लिया है, मतलब मेरे इस आर्मी ने देख लिया था इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेट्स गो, ये देखो पीछे से तो मैं दिखा रहा हूँ मैं, ये एकदम उल्टा ही है बंदा, बड़ा अजीब है, लेकिन आज इसको नहीं बता, अब तो मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा। मैंने इसका हेड अलग करा था लेकिन इस बार हेड नहीं, मैं इसको पूरा ही ख़त्म कर दूंगा। ओके भाई साहब आज इसको मैं बता दूंगा, क्या नाम है इसका पता नहीं, रिवर्ड हुआ शायद मेरे ख्याल से, इसने एक बार मैसेज करा था मेरे को। ओके मतलब उसने चैट में लिखा था कुछ तो, बेटे इसकी चैट पता नहीं आती भी नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखती है मेरे को। अबे भाई ये इसको तो मैं बता दूँ, मैं अपने वेपन यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसको ऊपर, वरना ये दो मिनट में खत्म हो जाए मुझे लग रहा है ये बंदा। एक मिनट, अरे हाँ ये तो नॉर्मल है, बिना आर्मर के बंदे ने इतनी सारी शॉट कैसे झेल रहे हैं मेरे, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है भाई, ये नॉर्मल प्लेयर है लेकिन ये इतने सारे शॉट्स के वजह से भी जिंदा कैसे आई? एक मिनट मैं इसके ऊपर अपने वेपन यूज़ करता हूँ, पीछे क्यों हट रहा है अभी बंदा? एक मिनट भाई इसके ऊपर ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा भाई? ये बंदा कुछ तो अजीब है, इसको एक मिनट। ओके भाई साहब ये बहुत तगड़ा अटैक मारते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाला वेपन, लेकिन ये बंदा जिंदा कैसे? अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होगा तो उसके समझ लो 50-60 हार्ट का भाई इससे डैमेज पड़ता है, लेकिन भाई ये बंदा अभी तक जिंदा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये नॉर्मल प्लेयर नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन ये एंटिटी जैसा भी हरकतें तो कर नहीं रहा है, क्योंकि भाई वरना ये अपनी सुपर पावर्स यूज़ करता है, एकदम नॉर्मल स्वॉर्ड से फाइट कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा अजीब इसलिए है क्योंकि भाई ये उल्टा चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। ये पता नहीं क्या करना चाहता है, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, इसको मारूं कैसे अब मैं? ये वाला मेरा वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अभी भी दो वेपन बचे हैं, लेकिन भाई इस वेपन से नहीं मरा तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ये काफ़ी ज़्यादा सुपर पावरफुल बंदा है मुझे लग रहा है। बेट ये भाई क्या तगड़ा, मैं इसको अटैक दे रहा हूँ, तुम लोग देखो भाई इतना ज़्यादा, ये देखो भाई ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है भाई? इसका नाम लिवर्ड हुआ, और ये क्या हरकत है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई नॉर्मल प्लेयर बच जाए इस वाले अटैक से। ये देखो भाई साहब इसके ऊपर गिर रहा है सीधे, लेकिन ये फिर भी नहीं मर रहा है भाई साहब, इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं कितने भी टाइम लगे भाई इस बंदे को मार के रहूँगा आज तो मैं, इसने बड़ी हरकत करी है सही में। ओके ओके अगर इसको नहीं मारा तो समझ लो इस माटी को निकाल के ले जा सकते हैं वहाँ से, इसलिए इसको तो भाई ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटे यार ये वाला अटैक कैसे मिस हो गया, लेट्स गो। ओके ये वाला पड़ा भाई साहब, ये बंदा बेटे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है भाई साहब? बिना चेस्ट प्लेट कुछ भी, इसके पास आर्मर नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन अब तो भाई गया।
ये भाई इतना तगड़ा भाई ये वाला वेपन है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन इससे इसकी आधी हेल्थ भी नहीं हुई मुझे लग रहा है। ये अभी भी मेरे से मारने आ रहा है, इसका मतलब तो भाई साहब ये इतना ज़्यादा पावरफुल कौन है ये बंदा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैंने आज से पहले कोई नॉर्मल प्लेयर को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं देखा। ये बहुत ज़्यादा मेरा पावरफुल वेपन है लेकिन ये इससे भी नहीं मर रहा है, तो ये बहुत अजीब बात है। अभी किल्विस से मैं मतलब बातचीत अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो अभी गया है भाई दूसरे अभी वर्ल्ड के अंदर भाई साहब, वो मेरे को बता रहा था इसलिए अभी, वरना वो होता तो भाई ये ख़त्म होता ही वाला बंदा। लेकिन अभी किल्विस भी नहीं है ना किंग ऑडिन है अभी इस वर्ल्ड के अंदर, वरना अभी मैं उन दोनों को बुला लिया होता। ओके इससे तो मरना चाहिए बंदा। ओके सटैस तो पड़ रहा है इसको, लेट्स गो। ये पीछे हटते हैं क्या? ओके ये थोड़ा बहुत इधर उधर तो भाग रहे हैं। नहीं भाई अभी भी लड़ने आ रहा है, इसका मतलब इसकी हेल्थ कम तो हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही है जितनी मैं सोच रहा हूँ। भाई साहब अभी यहाँ पे किल्विस को एक बार आ जाए ना इस वर्ल्ड के अंदर तो भाई मज़े आ जाएंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता वो आएगा क्योंकि अभी नॉर्मल अभी इस वर्ल्ड में है नहीं वो। वो बोल रहा था कि अभी कुछ एंटिटीज को लेने गया है वो अपने दोस्तों को इस वर्ल्ड के लिए। भाई साहब किंग ऑडिन भी नहीं है, यही तो दिक्कत है भाई साहब। ये इतना तगड़ा मैं इसको अटैक दे रहा हूँ। ओके ओके ये बंदा, इसको अटैक देता हूँ एक मिनट। ओके ओके इसका एम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है इस वाले वेपन से, लेकिन ओके लेट्स गो। भाई इतने ज़्यादा अटैक पड़ गए इसको लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ सही में। भाई ये बंदा है कौन मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट इस अब पड़ेगा। ओके भाई साहब ये इसको मारा कैसे जाए भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कैसे मारा जाए इस बंदे को। ये पीछे ही नहीं हट रहा है भाई इतना ज़्यादा तगड़ा अटैक के बाद भी, लेकिन ये मेरे को तो नहीं मार पाएगा इतना तो कन्फर्म है। इसके अंदर इतनी पावर तो नहीं है कि ये मेरे को मार सके। ओके इसकी स्वॉर्ड में जितनी मैक्स पावर है उतनी है नॉर्मल पावर इसके अंदर। इसको लड़ना है ना तो इधर आ बेटे, अब मैं इसको शॉर्ट से ही लड़ता हूँ बेटे, इधर आ तू। इसको शॉर्ट से ही लड़ना है तो शॉर्ट से इससे लड़के दिखाता हूँ। ओके बेटे लड़ तू, शॉर्ट से ही लड़ते अंदर दम है तू। पीवीपी करनी है इसको नॉर्मल वाली, लेट्स गो बेटे। इसको मैं बताता हूँ क्या होते हैं अटैक, तो ये बंदा उल्टा है ना, उल्टे एकदम अटैक मार रहा है अजीब तरीके से। कभी कभार ऐसा लगता है ये पीछे की तरफ भाग रहा है पर ये सीधा ही होता है। ओके ओके बेटे रिवर्डो, एक बार किल्विस आ गया ना इसको एकदम ख़त्म है ये बंदा मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब तक किल्विस नहीं आता तब तक भाई इसको पेलना तो होगा इसको कैसे भी करके। ओ भाई बेटे ज़्यादा तेज हो रहा है ये बंदा, लेट्स गो। ओके ओके इसको शॉट तो आई बहुत तगड़ी पड़ रही है लेकिन पता नहीं इसकी हेल्थ कम हो भी रही है कि नहीं, देखते हैं भाई। ओके 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 लेट्स गो, आ जा बेटे आ जा। ये तो गया, कुछ नहीं है ये, मुझे समझ आ गया भाई साहब ये बात हुई ना। ओके ओके भाई इतना भी अच्छा नहीं खेल रहा है ये, मुझे समझ आ गया भाई, लेट्स गो। इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई बस ये नहीं समझ आ रहा मेरे को, हीलिंग की पावर होगी शायद इसके पास। ओके ओके या फिर पता नहीं ये क्या हरकत कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से ऐसी पावर लेकर आया कि ये मेरे स्वॉर्ड की भी पावर से ये बच गया है बेटे। ओके 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 लेट्स गो, ये हुई ना बात, ये बेटे ये पढ़ रहे हैं ना शॉर्ट्स को सही। अब लड़ना, अब क्यों नहीं लड़ पा रहा ये बंदा। ओके 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 इसकी हेल्थ कम हो चुकी है मुझे लग रहा है, इस चक्कर में ही लड़ नहीं पा रहा है ठीक से मेरे से, लेट्स गो। ओके एक मिनट अपने दूसरे वेपन को यूज़ करूँगा यहाँ पे, एक मिनट इसको फंसा देता हूँ मैं, लेट्स गो। ओके अब आ बेटे, अब पक्का इसको बहुत तगड़ा वाला वो पढ़ने वाले अटैक, लेट्स गो। ओके ओके इसको पढ़ रहे हैं भाई अटैक तो पढ़ रहे हैं बहुत गंदा। ये था भाई शॉट ओपन एरिया में, इसको क्या शॉट पड़ा है भाई। ओके भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़ा शॉट था, इतने ज़्यादा दूर जा गिरा नहीं बंदा सही में। ये इसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा कम हुई होगी मुझे पता है, लेट्स गो। ओके इधर बहुत तगड़े भाई शॉट पड़ रहे हैं इसको, ओपन एरिया में आ चुका है नहीं बंदा, लेट्स गो। ओके बेटे आप लड़ दो मेरे से, आप किधर। ओके 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 ये हुई ना बात, इसकी हेल्थ तो आई बहुत ज़्यादा कम हो रही है मुझे समझ आ गया इस वाले वेपन से, लेट्स गो। अभी मैं दूसरे वेपन को भी यूज़ करता हूँ ताकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए पहले, तो फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। ओके ये बात हुई ना, लेट्स गो लेट्स गो। आप किधर भाग रहे हैं, आप लड़ना मेरे से सीधे सीधे, आप क्यों नहीं लड़ रहा है बंदा।
ओके अभी दूर दूर भाग रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके बेटे किधर भागेगा तू? अबे लो भाई भागने भी लग गया ये बंदा। ओके एक मिनट इस ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, इसको भागने थोड़ी दूंगा मैं, आज तो खत्म है भाई ये बंदा। इतने ज़्यादा तगड़े इसको शॉट पड़े ना इसी चक्कर में ये बंदा भाग रहा है। लेकिन भाई कहाँ तक भागेगा ये बंदा, कहाँ तक भागेगा? इन वॉल से तो बाहर जा नहीं सकता ये, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट भाई अबे जा किधर रहा है? ओह एक मिनट अबे ये जगह कब आ गई इसके अंदर? अबे भाई ये जगह कब बन गई? अबे यार एक तो ये सीढ़ियों की वजह से बार बार जंप हो रही है, ये जगह किसने बनाई? और इधर अबे ये वाटर, ये जगह किसने बना दी भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, एक मिनट में आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ इधर? ये पानी मेरे को पीछे की तरफ धकेल रहा है भाई साहब। ओके ओके इधर से किधर जाने मेरे को? अबे यार ओके ऊपर की तरफ रास्ता है, लेट्स गो। एक मिनट भाई ये किधर गया? अबे इसी तरफ तो आया था ये। ओके भाई अच्छा ओके राइट में आगे से रास्ता है। अबे ये रहा बेटे, कहाँ तक भागेगा तू? वेट कहाँ तक? ओह एक मिनट अबे मैं आगे नहीं जा पा रहा, अबे मैं आगे नहीं जा पा रहा भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है ये, मैं आगे नहीं जा पा रहा। लेकिन ये स्मार्टी को भाई इसने आज़ाद कर दिया भाई साहब, इसने स्मार्टी को कब निकाला मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। ये स्मार्टी को भी इसने बाहर निकाल दिया, सिट मैन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं इसने ये वॉल कैसे तोड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इतनी मोटी ये वॉल थी और इसने तोड़ कैसे दी? ये बंदा है कौन भाई? इसने ये देखो वॉल पूरी तोड़ रखी है यहाँ से, और ये अंडरग्राउंड इसने रास्ता कब बनाया? अच्छा ओके जब मैं किल्विस के पास गया होगा तभी इसने ये सब काम करे होंगे पक्का। ही रिवर्डो ने इसको तो नहीं छोड़ने वाला भाई, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ इस वॉल के अंदर से, मैं बिल्कुल भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ इस जगह से। ये समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या दिक्कत है भाई। इस रिवर्डो के पास कुछ तो भाई शक्तियाँ हैं ऐसी जो ये मेरे को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है यहाँ से, कुछ तो भाई दिक्कत है भाई साहब। ये बंदा है कौन भाई? किल्विस को बताऊंगा पहले तो इसके बारे में भाई साहब। किल्विस ही इस बंदे से बदला ले सकते हैं क्योंकि भाई उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि इस बंदे से लड़ सके। ये बंदा है तो कुछ तो है ये यार, यहाँ से निकलने का भी रास्ता बना रखा है भाई साहब। ये बंदा बड़ा अजीब है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है इस बंदे पर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता आगे, और पता नहीं ये बंदा अभी तक, मैं बाहर से जाऊँगा तब तक ये एंडरपल कर जा चुके होंगे बहुत दूर तक। यार इसने रास्ता बना रखा है अजीब सा, ट्रैप कर रखा है, पता नहीं क्या अजीब सा बना रखा है इस बंदे ने, दिमाग ख़राब। मैं वापस जाता हूँ भाई साहब, मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई उनके पास एंडरपल्स होंगे और उनने अभी तक तो भाई बहुत दूर पहुँच चुके होंगे वो लोग। मैं उनका पीछा करने में समझ लो टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन भाई ये बंदा रिवर्डो शायद इसी मिशन से आया था क्या कि इसको स्मार्टी को बाहर निकाल लें, पता नहीं भाई क्या बंदा है ये। मैंने इसको इतनी ज़्यादा कोशिश करी थी मारने की, मैंने इतनी ज़्यादा भाई अपने इसको मारने के लिए, लेकिन ये बंदा मरा ही नहीं। और हाँ यहाँ का मौसम मेरे मूड के हिसाब से चेंज हो रहा है मुझे लग रहा है, पता नहीं भाई ये दिमाग ख़राब मेरा पूरा हो रखा है। अभी वो बंदा इस वॉल को तोड़ के बाहर निकल चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई बंदा नॉर्मल प्लेयर वॉल को तोड़ ही नहीं सकता है, इसका मतलब वो बंदा कुछ तो है भाई, या तो वो दूसरे वर्ल्ड से आया है या फिर दूसरे यूनिवर्स से, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि भाई किल्विस बोल रहा था कि दूसरे यूनिवर्स का उसने रास्ता ओपन कर रखा है आने का, देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है। मैंने इसके अंदर रखा हुआ था उसको स्मार्टी को, लेकिन भाई वो लेकर चला गया, मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल से उसको कैप्चर करा था, क्या कर सकते हैं भाई साहब? अब तुम लोग बताओ भाई कमेंट में मुझे अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।